एमेजोन कैनेडा चैनल से सब दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है और नवी नवी अपडेट्स के लिए तुसी चैनल नू सब तो पहला दोस्तों कर लो सबसक्राइब ताकि तुसी आने वाली कनेडियन इमीग्रेशन अपडेट्स से कनेडा दे नाल रिलेटेड सारिया लेटेस्ट न्यूज़ के नाल रिलेट कर सको। अज की वीडियो दे विच असी गल करांगे कि इस ब्यूटीफुल कंट्री कैनेडा दे विच लोग क्यों आना चाहते हैं। अज की वीडियो दे विच साडा टॉपिक है कि कैनेडा दे विच इन्नी वड्डी मात्रा दे विच इमीग्रांट्स क्यों आते हैं, की वो खास गल्लां हन जिहदे करके कैनेडा एक स्पैशल कंट्री बनता है और इमीग्रेंट्स नूं अट्रैक्ट करता है। तो सब तो पहला असी चलते हाँ, फर्स्ट पॉइंट है ये ब्यूटीफुल कंट्री है और ये बहुत खूबसूरत देश है, इत्थे टूरिस्ट अट्रैक्शनस है जो बहुत मन लुभाउणियां हन। अगर तुसीं कैनेडा दे किसी भी स्टेट दे विच किसी भी प्रोविंस दे विच चले जाने हो, ईवन तो अगर तुसीं फॉर एग्जाम्पल असी लैने कि अगर तुसीं बहुत नेचर नूं प्यार करन वाले हो, तुसीं बहुत कुदरती चीज़ां देखने वाले हो, तो तुसीं क्यूबिक दे विच मॉन्ट्रियल सिटी नूं देख सकते हो। अगर तुसीं बहुत मॉडर्न थिंग्स देखनियां है तो तुसीं टोरंटो वर्गी शहर दे विच हर एक तरह का नज़ारा देख सकते हो। नाइट लाइफ कैनेडा दी बहुत अच्छी है। अगर तुसीं अटलांटिक रीजन दे विच जाने हो, नोवा स्कोशिया प्रिंस एडवर्ड स्टेट्स दे विच जाने हो, तो तुहानूं समुंदरी पहाड़ी नज़ारे देखन नूं मिलणगे। जे असी सैकेंड गल करिए तां उह है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, और जिवें कि असी जानदे हां कि दुनिया दा कोई इहो जिहा मुल्क नहीं जिथों पढ़न दे लई विद्यार्थी कैनेडा दे विच नहीं आउंदे। कैनेडा दीआं यूनिवर्सिटीज़ दुनिया दीआं पहलियां 100 यूनिवर्सिटीज़ दे विच शुमार हुंदियां हन। इत्थे मोस्टली यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां उह दुनिया दीआं पहलियां 100 यूनिवर्सिटीज़ दे विच गिणियां जांदियां हन। रिसर्च तो लैके मैडिकल, इंजीनियरिंग, IT फील्ड, कोई भी फील्ड होवे, चाइल्डहुड एजुकेशन नू लै लो, कैनेडा दे विच एजुकेशन करके तुसी दुनिया दे किसी भी मुल्क दे विच चले जाओ तो तुहाडा बाहां खिलार के तुहाडा स्वागत किया जाता है, क्योंकि तुसी बहुत चंगे कंट्री दे विचों बहुत बेहतर एजुकेशन लई हुंदी है। असी तीसरे पॉइंट वल चलते हैं, दैट इज़ अ बेस्ट इकोनमी। अगर असी कैनेडा दी इकोनमी दी गल करिए तां तुसी कैनेडा दे डॉलर तो हिसाब ला सकते हो कि इहदा डॉलर कदे भी नीवा नहीं आया, हमेशा इहदी स्टेबल इकोनमी रही है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस इकोनमी दे विच इन्वेस्ट करते हैं, वक्रे वक्रे कंट्रियों दे विचों इन्वेस्टर्स कैनेडा दी इकोनमी दे विच इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने पता है कि इस कंट्री दी इकोनमी है जिहड़ी स्टेबल है, हर एक तरह का बिजनेस है जो इत्थे कामयाब है। नंबर असी 4 गल करांगे मल्टीकल्चरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो कैनेडा की अगर असी गल करिए तो इस देश दे विच हरेक धर्म हरेक जाति का इंसान रहिंदा है। कोई ही शायद इहो जिहा देश होवे जिथों माइग्रेट होके इत्थे लोग ना आके वसे होण, पर किसी भी तरह की कोई धार्मिक समस्या नहीं, अते आपदी इच्छा अनुसार कोई भी आदमी आपदा पक्ष रख सकता है, जिहनूं कि असी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहिंदे हां। सो पूरी आजादी है कैनेडा दे विच उत्थों दे सिटीजनस नूं आपदा पक्ष रखण दी, सरकार विरोधी होवे सरकार पक्षी होवे तां किसे तरह की कोई रोक नहीं, ये भी एक बहुत बेहतर गल है। नंबर गल हैगी है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल कंट्री है। अगर असी कैनेडा की गल करिए तां किसी भी तरह के होर किसी भी देश नाल इन्हां दा बॉर्डर का कोई रौला नहीं, किसी भी तरह का कोई अतवादी गतिविधियां कोई टैरोरिज्म इस कंट्री दे विच नहीं है। कदे भी तुसी सुनिया नहीं होएगा कि कैनेडा की किसी होर कंट्री दे नाल लड़ाई लग गई है, वॉर लग गई है। पोलीटिकल स्टेबिलिटी की अगर असी गल करिए पोलीटिकल पार्टीज एक मत हो के देश का हरेक फैसला कर दिया हन, किसी भी धर्म के नाते जाति के नाते वो लोगों नू लड़ाउंदियां नहीं। इस करके पोलीटिकली स्टेबिलिटी होण करके लोगों का विश्वास मत जित हर गौरमेंट है जो अपने लोगों के लिए बेहतर आपदे आप नू दिखाउणा चाहुंदी है, सारिया फैसिलिटीज़ अपने सिटीजनस नू लेके आउंदियां। सो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होण करके भाईचारा होण करके कैनेडा एक चंगा मुल्क है। नैक्सट असी गल करांगे बेस्ट इमीग्रेशन सिस्टम दी। PNP स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम्स के अधीन इमीग्रेशन सिस्टम कैनेडा दे विच लगातार इमीग्रेंट्स नू सद्दा दे रहा है। वैसे भी कैनेडा एक कंट्री ऑफ इमीग्रेंट्स है,
वक्रे वक्रे धर्मां वक्रे वक्रे देशां तो आए इमीग्रेंट्स तो बनी हुई कंट्री का नाम ही कैनेडा है। इस लई इत्थे इमीग्रेशन सिस्टम बहुत सौखे तरीके नाल तुसी कैनेडा दे विच आ सकदे हो, बशर्ते कि तुसी लीगल ढंग नाल इस कंट्री दे विच एंटर करो तां स्वागत किया जाता है सरकार द्वारा जदों तुसी कैनेडा इकोनमी दे विच आर्थिक सांझ पाउंदे हो। नंबर 7 है स्टार्टिंग अ बिजनेस। कैनेडा तो सौखा बिजनेस स्टार्ट करना शायद दुनिया के किसी भी खिते दे विच नहीं मिलेगा थोनों। एक घंटे दे विच विच अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक घंटे दे विच विच तुसी बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो। लीगली कारपोरेट इनकारपोरेट कोई भी तुसी फर्म बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किसी तरह का अंडर द टेबल कोई रिश्वत नहीं देनी पैंदी, कोई इंडिया दे वांगू जां होर मुल्कां एशियन कंट्रीज़ दे वांगू बाहुआं दे हत्थां दे विच दी फाइलां दो दो महीने दो दो साल छे छे महीने नहीं चलदियां। ऑन द स्पॉट विद इन वन आवर तुहाडा बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है और तुसी शुरू कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट रीजनस दे विच गवर्नमेंट तुहानू आप ये दसदी है कि अगर तुसी ये बिजनेस फलानी जगह ते स्टार्ट करोगे तो तुहानू बहुत ही फायदा होगा और फाइनैंशली बहुत ज़्यादा बैकअप ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡਰਫੁੱਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 10 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੇ ਵੀ ਲਾਅ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜਨ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਈਫ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
सब्सक्राइब करना ना भुलो।